स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिबेट राइटिंग बच्चे। तो स्टूडेंट्स, ये डिबेट राइटिंग हमारी 12th क्लास में बच्चे 10 मार्क्स की आती है, और बच्चे इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिबेट होती क्या है मैं आज आपको ये बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डिबेट? ये स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ डिबेट? इट इज़ जस्ट अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है बच्चे, एक फॉर्मल सा आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें टू साइड्स होती हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट बोलती है। कोई कोई भी टॉपिक गिवन होता है, कोई उसके फेवर में बोलता है और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में बोलती है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ डिबेट राइटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू चूज़ करना है कि आप किस में बोलोगे। जो टॉपिक गिवन है आप उसके फेवर में बोलना चाहते हो या फिर आप उसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हो, और आपको बड़े ही अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है अपने पॉइंट्स को। और वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे होता है इसको डिस्कस करने का या इसको लिखने का। बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें अपने पॉइंट्स को पोर आउट करना है डिबेट में। तो जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने राइटिंग में पोर आउट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसके टिप्स रीड करते हैं कि कैसे हमने डिबेट लिखनी है। ये स्टूडेंट्स, एंड आइडियल डिबेट को हम 4 पैराज में कवर करते हैं बच्चे। फर्स्ट पैरा हमारा होता है इंट्रोडक्शन पैरा, जिसमें हम सारी सैल्यूटेशंस लिखते हैं, ऑनरेबल जजेस, गेस्ट, ठीक है, टीचर्स, वर्दी टीचर्स, हम सबको ग्रीट करते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो बच्चे, पूरे उसकी डिफाइन करके उसका मीनिंग देके 2-3 लाइंस में उसको पूरा डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देते हैं और कंक्लूजन देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने डिबेट को कवर करना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है, सैल्यूटेशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमें कैसे इंट्रोडक्शन देनी है, कैसे हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और सॉल्यूशन और कंक्लूजन कैसे देना है। सबसे पहले बच्चा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें क्या आएगा, सैल्यूटेशंस आएंगी और आपकी टॉपिक आएगा। जैसे कि आप लिख रहे हो फॉर द मोशन लिख रहे हो या अगेंस्ट द मोशन, फेवर में हो उस टॉपिक के या फिर अगेंस्ट में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग एवरी वन, एस्टीम जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई फेलो स्टूडेंट्स या एंड माई फेलो फ्रेंड्स। ठीक है, एंड माई फ्रेंड्स कुछ भी मेंशन कर सकते हो इसमें। आई, आपका नेम, जो भी अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन एक्स वाई जेड। आई एक्स वाई जेड फील ऑनर टू हैव बिन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। यू कैन राइट आइदर इन द फेवर और द अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट द टॉपिक और इन द फेवर ऑफ द टॉपिक। ठीक है, सॉरी, फील ऑनर टू हैव बिन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर द टॉपिक या फिर अगेंस्ट द टॉपिक, और उसके बाद आपका टॉपिक का नेम आ जाएगा। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स ये बात ही आपको? ये हमारा फर्स्ट पैरा है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड सैल्यूटेशन पैरा। क्लियर हो गई? तो आपको यही आपकी पेट लाइन्स हैं जो आपने लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, येस। सेकेंड पैरा इज़ बॉडी योर प्रॉब्लम। यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम, यू हैव टू डिफाइन योर प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। दिस इज़ द मेन पैराग्राफ, है ना, जो हमारा कंटेंट हमारा होता है, मेन पैराग्राफ ये हमारा है हमारे आंसर का। ऑलवेज आपको इसको शुरू करना है विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। यू हैव टू एक्सप्लेन योर टॉपिक ब्रीफली। ब्रीफली आपने अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करना है इसमें, जो टॉपिक आपका गिवन है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ कॉट्स यूज़ कर सकते हो, कुछ अट्रैक्टिव ओपनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि योर ऑडियंस विल स्टिक टू देयर चेयर्स, अपनी चेयर्स पे बैठे रह जाएं, यॉनिंग ना करें आपकी डिबेट को सुन के। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम कोई डिबेट है, कोई स्पीच है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यॉन करने लग जाते हैं, हम बोर फील करने लग जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा अंदर डालना है कि हमारी ओपनिंग बहुत ज़्यादा क्या हो, अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा सुनने में ही अट्रैक्टिव सी लगे। तो आप कॉट से यूज़ कर सकते हो, कॉटिंग कर सकते हो उसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या है इसमें, हमें सीक्वेंस फॉलो करनी है, सीक्वेंस फॉलो करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, आपके पास मान लो कोई टॉपिक आया है, कोई भी टॉपिक ऊपर गिवन है, उसके बारे में आपको क्या पता वेराइटीज़ पता हो, मतलब वेराइटी ऑफ पॉइंट हो आपके पास, बड़े सारे पॉइंट्स हो, या हो सकता है आपके पास बहुत ही कम पॉइंट्स हो, है ना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो क्या आप ईच एंड एवरीथिंग यू विल पावर आउट ऑन दैट? नो, यू हैव टू चूज ओनली बेस्ट वंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर दैट लिस्ट इन योर माइंड दैट व्हाट यू हैव टू राइट इन दैट।
है ना स्टूडेंट्स, देखो जो फ्यू पॉइंट्स हैं आपके माइंड में उस टॉपिक के बारे में, भाई आपको पता ही कुछ है तब आप उसको तो लिख दोगे सारा का सारा, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे एक पॉइंट्स है, कोई ऐसा टॉपिक आ गया, अरे यार इसके बारे में तो मैं 10 पेज लिख सकता हूँ, तो क्या आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाओगे? नहीं, आपने उनमें से बेस्ट को चूज़ करके उसके अंदर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो आपने बेस्ट वन को चूज़ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। और सेकंड और चीज़ क्या है बच्चे, जो भी आप लिखोगे आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है, एम्बिगुअस मीनिंग ना हो रहे हो, डबल मीनिंग नहीं कन्वे करने हैं, बड़ी ही क्लियरली अपने थॉट्स को उसके अंदर डालना है। ठीक है, अनएम्बिगुअसली, कोई डबल मीनिंग ना कन्वे करे, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो रीडर्स को, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, वो डिबेट रीड करेगा, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका टॉपिक रीड करके कि भाई यार एक पॉइंट पे तो ये कुछ कह रही है, दूसरे पॉइंट पे ये कुछ कह रही है, तो दोनों टॉपिक्स आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट इज सॉल्यूशन बच्चे। ये स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन तो देखो हर एक प्रॉब्लम का होता है, तो आपको इस पैराग्राफ में क्या करना है, एक छोटा सा प्रिसाइज सा और क्रिस्प सा सॉल्यूशन देना है अपने टॉपिक का, और जो कि बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, कोई इलॉजिकल सॉल्यूशन सा नहीं देना आपने, प्रैक्टिकल और रैशनल होना चाहिए। आपने जो ऊपर अबव जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, उसका आपने एक छोटा प्रिसाइज और क्रिस्प सा सॉल्यूशन, रैशनल और लॉजिकल सॉल्यूशन आपने इसमें प्रोवाइड करना है। क्लियर हो गई बात आपको? आगे देखिए, अगर आपको नहीं फिगर आउट कर पा रहे, आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या सॉल्यूशन दो, तो आप क्या करो, कुछ अवेयरनेस के बारे में बात कर दो कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये पॉइंट मेंशन कर दो, कैंपेन्स करने चाहिए, स्ट्रिंगेस्ट लॉज बनाए जाने चाहिए, उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जब आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप ये चीज़ें मेंशन कर दो, अगर कोई सोशल इशूज़ का टॉपिक है तो। ठीक है, क्लियर होगी स्टूडेंट्स आपको बात? एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, कुछ कोट्स, ऐसे कोट्स यूज़ करो, क्योंकि कोट्स यूज़ करने से कोई हर्ट तो होगा नहीं, है ना, तो कुछ ऐसे कोट्स अपने पास रेडीमेड, कहते हैं ना कि प्रिपेयर्ड रखो, हैंडी कोट्स होने चाहिए आपके पास। इस आपके पास ये कोट्स कहाँ से आएंगे? रीडिंग से, रीडिंग, डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, बहुत सारी डिबेट्स पढ़ो, बहुत सारी स्पीच पढ़ो, बहुत सारी रिपोर्ट राइटिंग, बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करो, जिससे आपके माइंड में क्या आएंगे, बहुत सारे थॉट्स अपने आप जनरेट होने शुरू हो जाएंगे जब आप पेपर में बैठ के टॉपिक को लिखोगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई? तो कुछ ऐसे कोट्स होते हैं, जर्नल कोट्स होते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपने हाथ में तैयार रखो उन चीज़ों को, ताकि अगर आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उन कोट्स को तो एटलीस्ट उसमें डाल सको। ठीक है, हर एक सिचुएशन को फेस किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है यूनिटी के साथ, तो ऐसे कुछ आपके कोट्स होने चाहिए, जैसे कि देखिए ये कुछ कोट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं, वेयर एवर देयर इज़ यूनिटी देयर इज़ ऑलवेज विक्ट्री, ऐसा कोई ऊपर टॉपिक आ गया तो आप उसमें ऐसा कोई कोट डाल दो। ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ऐसे ही कई और कोट्स, जनरल कोट्स आप डालोगे ना गूगल पे तो बहुत सारे ऐसे कोट्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई आपको बात? आगे देखते हैं, लास्ट बच्चे इसका पार्ट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन देना तो बहुत ही ज़रूरी है ना, इससे आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लैरिफाई होगी, ये कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, उसका स्टांस आपने देना, और साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को थैंक्स करना है कि फॉर बींग सच अ पेशेंट लिसनर, थैंक्स करोगे ना उनको, अपनी ऑडियंस को, कि वो आपके पेशेंट लिसनर्स है। ये जो पैराग्राफ है आपका शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होगी? आप इसमें कुछ ग्लिटर कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ग्लिटरिंग एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसा डालो जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, है ना, ऐसे कुछ ग्लिटरिंग से वर्ड्स जो हाईलाइट हो, जो लगे देखने पे कि यार अच्छा लिखा हुआ है इस बंदे ने। क्लियर हो गई बात आपको बच्चे? तो आपने ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें आपने अपने पैरा अपने डिबेट में अपने राइटिंग के टॉपिक्स में डालनी है। ओके स्टूडेंट्स, और हर पैराग्राफ के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, और हमने इसको डिबेट राइटिंग को 4 पैराग्राफ्स में ख़त्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको मैं इसकी मार्किंग स्कीम पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ, 10 मार्क्स में हमारा 1 मार्क्स का फॉर्मेट है, जिसमें हम अपने ऊपर हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग हेडिंग लिख के ऊपर, सबसे ऊपर बीच में, और कंटेंट का हमारे 4 मार्क्स, फिर हमारे एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स, एक्सप्रेशन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, 2.5 मार्क्स आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स के, ठीक है, और कहरेंस और रेलिवेंसी के 2.5 मार्क्स, और टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स की हमारी डिबेट कवर हो जाती है।
Yes, students, there are some things to remember while attempting a question on debate. बच्चे जब आप debate attempt करते हो तो आपने कुछ points ऐसे हैं जो आपने follow करने हैं और वो क्या points हैं मैं आपको बताऊँगी. सबसे पहली चीज़, before you begin writing, write down all the points. आप लिखने से पहले अपने सारे points उसको 2-5 मिनट के लिए अपने mind में ही क्या कर लो, सोच लो. अगर possible है तो क्या करो, उनको किसी रफ पेपर पे लिख लो साइड में या फिर रफ पेपर पे पीछे लिख लो उन पॉइंट्स को, ताकि उसकी सीक्वेंस जो हमने बनानी है वो गलत ना बने. ठीक है, अगर टाइम है तो आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं इसमें इतना टाइम दूंगी तो मेरा टाइम हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हो. रफ शीट पे सभी पॉइंट्स को आराम से लिख लो, ताकि आप रेलेवेंट पॉइंट्स को लिखते टाइम भूलो ना, स्किप ना करो. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? सबसे अच्छा मेथड है रेलेवेंट पॉइंट्स को ना भूलने का, कि आप उस पॉइंट को अगर माइंड में ही सेट कर सकते हो तो माइंड में करो, अदरवाइज एक रफ शीट पे उनको सिर्फ मोटे मोटे, पूरी लाइंस नहीं, मोटे मोटे उनको लिख लो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी सीक्वेंस बहुत अच्छी से बन जाएगी. ओके, अब डबल चेक करो अपनी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं. मैं स्टूडेंट्स आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना टाइम वेस्ट करो एक ही टॉपिक पे, ये काम आप पूरा, आपका पेपर तब ढंग से और अच्छा अटैम्प्ट होगा और आप तब अच्छे मार्क्स ले सकते हो, टॉप कर सकते हो, जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे हर एक सेक्शन के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके चलो. जब आप ये करोगे तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करोगे. क्लियर हो गई स्टूडेंट बात मेरी? उसके बाद एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स, जो हमने स्पेस छोड़नी है पैराग्राफ्स के बीच में, ताकि हमारा जो डिबेट है, जो भी राइटिंग स्किल का टॉपिक है, वो क्या लगे, बहुत ही क्लीन और प्रेजेंटेबल लगे, कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग स्किल को क्या कर रखा है, उस पर अटेम्प्ट कर रखा है, जो उसने पूरे साल स्टडी करी है, बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे से उसने फॉलो किया पैटर्न को. क्लियर हो गई? मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना नहीं भूलना. अब ये मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप अभी करने लग जाओ, अभी नहीं करना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब आप पेपर को रीचेक करते हो उस टाइम पे आपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पेंसिल से क्या करना है, अंडरलाइन करना है. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? आपको फिनिश होने के बाद ही करना है आपने. और कुछ जर्नल कोट्स अपने पास तैयार रखो, अपने हाथ में तैयार रखो कुछ जर्नल कोट्स, इससे आपकी प्रेजेंटेशन और बहुत ही प्रेजेंटेबल बनेगा आपका राइटिंग पोर्शन, या आपके राइटिंग पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कॉर्ड्स वगैरह, जर्नल कॉर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई आपको बात? मैंने आपको ये चीज़ तो बोल ही दिया बेटा कि राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग स्किल्स को बेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी क्या करो, रीडिंग करो. रीडिंग से आपकी वोकैब, आपके ये कॉर्ड्स वगैरह, ग्लिटरिंग वर्ड्स जो आप यूज़ करोगे वो क्या होंगे, आपकी एनहांस होगी वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो क्या करो, रीड करो जितना हो सकता है, डिबेट रीड करो. मैम मुझे समझ नहीं आया डिबेट क्या है, मैम मुझे स्पीच समझ नहीं आया आर्टिकल बेटा ये रीड करोगे ना आप, रीडिंग से ही आपकी ये चीज़ें क्या होंगी, इंप्रूव होंगी. मैम हमारे मार्क्स नहीं आते डिबेट राइटिंग में, हमारे मार्क्स नहीं आते आर्टिकल राइटिंग में. आपने रीड किया क्या? नहीं रीड किया, सीधा जाके बैठ गए एग्जाम में, उसी टाइम देखा जाएगा सेक्शन बी भी कोई प्रिपेयर करता है, राइटिंग स्किल्स भी कोई प्रिपेयर करता है. हाँ भाई करते हैं प्रिपेयर, तभी तो 95-99 मार्क्स आते हैं उनके इंग्लिश में. ठीक है, तो आप इसको ये मत समझो, अगर आपने टॉप करना है, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप रीडिंग करो, अ लॉट ऑफ रीडिंग विल इम्प्रूव यू. ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? तो रीडिंग करने से, और भाई करंट जो चल रहा है हमारा इशू, उसके बारे में तो रीडिंग करना मस्ट है, क्योंकि उसी को घुमा फिरा के हमारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं राइटिंग सेक्शन में. कहाँ से पूछेंगे वो, जो सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल, पॉलिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं पूरे ईयर में जो चले हैं, उनके बारे में क्या करो, ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ो, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक फंस ही जाता है आपका. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात आपको? स्टूडेंट्स अब कोई, मैं वो बता रही हूँ आपको जो आपको चीज़ें नहीं करनी है. सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है, ये बात आपको पता है, अपना नेम, अपना स्कूल का नेम, एड्रेस वगैरह रिवील नहीं करना है. ओके, और नेवर राइट इन वन गो, एक ही गो में मत लिखते जाओ, मतलब सेंटेंसेस को डिवाइड करो, राइट फॉर्मेट फॉलो करो, पैराग्राफ्स बनाओ. समझ में आ गई आपको? और स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एब्रीवेशंस जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर देते हैं, स्लैंग्स यूज़ कर देते हैं, उसके हमारे नंबर कटेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर लैंग्वेज सब्जेक्ट, नॉट योर व्हाट्सएप और इंस्टा दैट यू आर यूजिंग स्लैंग्स हेयर.
क्लियर हो गई बच्चे बात, हम सिर्फ नोट्स मेकिंग में वो भी जो हमारी यूनिवर्सली एप्लीकेबल एब्रीवेशंस हैं हम उनको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें स्लैंग्स नहीं यूज़ करने हैं। इसलिए जो भी आप सोशल मीडियाज़ पे यूज़ करते हो, टाइम को TYM लिखना और नाइट को NYT लिख देना, ये बच्चों का मैंने देखा है और इसके मार्क्स कटते हैं, तो बिल्कुल अपने माइंड को एक्टिव चलाना है, ये यूज़ नहीं करने हैं हमें। ओके, रॉन्ग फैक्ट्स कभी भी नहीं अपनी तरफ से बना के लिख दो जी, फैक्ट है लिख दिया हमने, ठीक है, और रॉन्ग फैक्ट्स नहीं लिखने, अपनी आप थॉट्स पोर कर रहे हो वहाँ पे, फैक्ट्स को कभी भी गलत नहीं लिखना। ओके, और आपने प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, और ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट समझ में आ गई ना बच्चे आपको बात, इसका फॉर्मेट और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा आई होप। 10 मार्क्स की 150 to 200 वर्ड्स, फॉर्मेट आपका सबसे ऊपर टॉपिक आएगा, फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन जो भी लिख रहे हो आप ऊपर मेंशन कर सकते हो उसको ब्रैकेट्स में। फर्स्ट पैरा में हमारी ग्रीटिंग्स आएंगी, फिर उसके बाद एक लाइन हमें छोड़नी है। सेकेंड पैरा में बेटा हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा, डिफाइन करनी है पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को और उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड और थर्ड पैरा कंबाइन भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैरा हमारा कंक्लूजन का, और लास्ट में आप थैंक यू बोल के अपनी डिबेट को लीव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई आपको बात। अब हम एक सैम्पल डिबेट रीड करते हैं। यस स्टूडेंट्स, हियर इज द सैम्पल डिबेट। यू आर मुकुल और महिमा ऑफ एल्प्स पब्लिक स्कूल। योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स, एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम योर स्कूल। प्रिपेयर योर व्यूज ऑन और अगेंस्ट द मोशन, ठीक है बेटा। तो आपका टॉपिक है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। अब बच्चे देखिए, आपके पास इसके मोशन में आपके इसके फेवर में ज़्यादा पॉइंट्स हैं या इसके अगेंस्ट में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जिसके भी आपके पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं आप उसी में ही लिखना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यस, सबसे पहले हमने लिख दिया अपना टॉपिक, ऊपर मेंशन कर दिया सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स मेंशन कर दिया। उसके बाद फॉर द मोशन लिख रही हूँ मैं, फेवर में हूँ उसके, तो अब इसके मैं लिखना शुरू करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग इसको कॉटिंग के साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टार्टिंग दे दी मैंने इसको, आप इसको बाद में भी लिख सकते हो बट एक स्टार्टिंग अच्छी सी दे देने से अच्छा लगता है। मैंने कैसे स्टार्ट किया, वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक न्यूरॉन्स इन अ जाइंट ब्रेन, है ना। कितनी ही अट्रैक्टिव आपकी ये ओपनिंग है। अब आप सभी को ग्रीट करो, ऑनरेबल जजेस, टीचर्स एंड माई वर्दी ओपोनेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस डिबेट या फिर टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, जो भी है आप मेंशन कर सकते हो इसमें, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। आई एम, इफ यू आर अ बॉय यू हैव टू राइट मुकुल, एंड इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू राइट महिमा। आई एम महिमा एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा विद सैल्यूटेशंस। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात। ये जो मैंने आपकी स्टार्टिंग बताई है बेटा, ये आप लिखो ना लिखो, ये तो मैंने आपको जस्ट एक बता दिया कि आपकी एकदम से, जैसे कहते हैं ना धांसू वाली स्टार्टिंग, पढ़ के ही एकदम से जील वो आ जाए अंदर कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन, सो यू आर इन फेवर ऑफ दैट मोशन। हाउ मेनी पीपल, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस ऑन फाइंडिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑन फेसबुक, है ना। स्टार्टिंग कर दी उसने कितनी अच्छी, उसके फेवर में बोल रहा है वो, और उसने बोल दिया कि हाउ मेनी ऑफ यू, किसने तुम्हारे में से कितने जनों के फेस पे स्माइल नहीं आती है अपनी किसी पुराने फ्रेंड को फेसबुक पे पाने पे, तो मतलब सोशल मीडिया। अब उसने कितने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद लाइन छोड़ के स्टार्टिंग उसने अपनी डिबेट की कर दी। वेल, सोशल मीडिया हैज़ रिमूव्ड ऑल द बैरियर्स एंड बाउंड्रीज टू कम्युनिकेट बाय ब्रिंगिंग द ग्लोब ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। बिल्कुल सही बताया ना कि उसने, सोशल मीडिया ने क्या सारी ग्लोबल बाउंड्रीज को ही क्या कर दिया है, कम कर दिया है, इस पे जो एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया है वो सभी को एक कर दिया है, ठीक है, सोशल मीडिया ने। वाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैव वाइडेंड, इसकी वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी वाइडेंड हो गई हैं, मार्केटर्स की रीच भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। इट कीप्स अस अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग गोइंग ऑन इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, हर कॉर्नर पे, वर्ल्ड के हर कॉर्नर पे क्या क्या हो रहा है हमें किसके थ्रू पता चल जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। फ्रॉम एमरजेंसी अलर्ट्स, अनाउंसमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस टू नोइंग हाउ आर
आवर फ्रेंड्स आर डूइंग हैज़ ऑल बिकम सो कन्वीनियंट. सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बहुत ही कन्वीनियंट हो चुकी है. अनाउंसमेंट से लेकर एमरजेंसी अलर्ट से लेकर सब कुछ ये तक हमें पता चल जाता है सोशल मीडियाज़ के थ्रू कि हमारे फ्रेंड्स कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना. It provides freedom of speech and thus enables everyone to speak their mind. Not to forget the incalculable assist it provides it to extensive information. ठीक है students, ये हमारा second paragraph था. Third paragraph पे अगर हम आए, here it is the third paragraph. With so much advancement and innovation, it would be an unimaginable world without having social media in it. Someone has rightly put it into words by saying, social media is addictive precisely because it gives us something what the real world lacks. It gives us immediacy, direction and a value as an individual. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बड़े ही ग्लिटरिंग वर्ड्स के साथ अपनी इसको डिबेट को एंड कर दिया. थैंक यू. क्लियर हो गई बच्चे आपको बात. एक और सैम्पल मैं अभी आपको रीड कराऊंगी. यस स्टूडेंट्स, हेयर इट इज़ द नेक्स्ट सैम्पल डिबेट दैट वॉर्स ऑलवेज क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन दिस सॉल्व. बेटा सबसे पहले हमने ऊपर अपना टॉपिक डालना है, ठीक है, और उसके बाद डाल दिया हमने ये अपना टॉपिक और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया फॉर द मोशन. ठीक है, अब हम राइटिंग शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे. जैसे ही आप अपनी स्टार्टिंग करना चाहते हैं आप उसी तरीके से कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जजेस, माय ऑनरेबल ओपोनेंट्स, मेंबर्स ऑफ ऑडियंस. आई एम, अगर ऊपर नाम गिवन है तो ये लिख दोगे, नहीं तो एक्स वाई जेड, फोर एक्स वाई जेड स्कूल, जो भी अगर मेंशन होगा तो. एंड आई एम गोइंग टू स्पीक फॉर द टॉपिक वॉर ऑलवेज क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन दे सॉल्व. मेंशन कर दिया मैं इसके टॉपिक के फेवर में हूँ. अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं कि जो वॉर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सॉल्व करने के बजाय, उससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कंपैरेटिवली. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात. अब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं. द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी फेस्ड टू वर्ल्ड वॉर्स. वी हैव विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द WT टार्स एंड द वॉर अगेंस्ट द एक्वेडर एंड तालिबान इन अफगानिस्तान. हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्ट्रक्शन देख ली है, ये जो वॉर हुआ था. ठीक है, At home, terrorism has rocked the Jammu and Kashmir Assembly, our Parliament in New Delhi, and taken number of innocent lives. इस वॉर ने बहुत सी जानें ले ली थी. क्या क्या तबाह कर दिया था, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली, हमारा पार्लियामेंट न्यू दिल्ली का, और हमारे कितने इनोसेंट बंदों की लाइव्स भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी इस वॉर की वजह से. हमने स्टार्टिंग कर दी अपनी इसकी. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात. इंट्रोडक्टरी पहरा के बाद हमने यहाँ लाइन छोड़ के यहाँ पे हमने ये अपना इसका टॉपिक को डिफाइन कर दिया कि क्या होता है वॉर से, उसको पूरा डिफाइन कर दिया. यस द वर्ल्ड हैज सीन, अब इसको हम पूरी डिटेल में बताएंगे. यस द वर्ल्ड हैज सीन मैनी वॉर्स बट हैज़ इट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. क्या कोई प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई है वॉर से. वॉर्स हैव लेफ्ट इन देयर वेक ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. इससे तो सिर्फ क्या होता है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. The feelings of enmity, hatred, jealousy and greed that caused war have still remained. Children have become orphans, people maimed, entire cities have been destroyed, large areas of the fertile agricultural land have been laid barren, many have become refugees, large numbers have lost their livelihood and sunk into poverty. These all are the legacies of war. Wouldn't my worthy opponents agree with me? मेंशन कर दिया ना कि क्या मेरा वर्दी अपोनेंट मेरे से एग्री नहीं करेगा. बड़े ही रिस्पेक्टेबल तरीके से बेटा आपने ये मेंशन करना है. हमने कोई लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करनी है, ईंटें नहीं उठानी है. बड़े देखो रिस्पेक्टेबल तरीके से बोला कि क्या मेरे वर्दी अपोनेंट इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे कि वॉर से इतना डिस्ट्रक्शन होता है ना. विद मी दैट वॉर हैज सर्टेनली क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम दैन इट हैज सॉल्व. कि वॉर से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि सॉल्व करने की बजाय, उसने बड़े ही रिस्पेक्टेबल तरीके से बोल दी ये चीज़. सेकेंड पैरा हो गया हमारा बेटा. थर्ड पैरा में हमने लिखा सोल्यूशन, इसका कंक्लूजन. इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलरेडी फॉर वॉर्स कर चुका है इंक्लूडिंग द कारगिल वॉर बट हैज़ इट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम. जब लेकिन जो इसके पीछे जो बेसिक प्रॉब्लम छुपी थी क्या वो सॉल्व हुई है आज तक, अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं. The enmity and distrust between the two nations continues. अभी भी उन दोनों nations के बीच में क्या है, distrust ही है. एक दूसरे के प्रति
एक लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, अभी भी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं दोनों नेशंस. इजंट इट ट्रू इफ बोथ द कंट्री शेयर्ड अ पीसफुल रिलेशनशिप, बोथ वुड हैव बेनिफिटेड. अगर दोनों के दोनों आपस में बैठ के एक पीसफुल रिलेशन एस्टैब्लिश कर लें तो दोनों को बेनिफिट नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा, है ना. इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑन डिफेंस एंड न्यूक्लियर वेपन्स, दे कुड हैव स्पेंट इट ऑन फाइटिंग आउट पॉवर्टी, हंगर एंड इलिटरेसी. जो ये इतना पैसा किसके ऊपर डिस्ट्रॉय करते हैं, किसके ऊपर वेस्ट करते हैं, वेपन्स पे, इतनी ज़्यादा वॉर्स पे, वही पैसा अगर अपनी हंगर पे, जो अपने इनकी देश में पॉवर्टी है, इस इलिटरेसी पे ही लगा दें तो कितना फ़ायदा होगा, है ना. हमने सॉल्यूशन दे दिया ना उस चीज़ का, कि इसका ये सॉल्यूशन है, है ना. क्लियर हो गई बात. तो आई सिंसियरली फील, आप अपने कंक्लूड कर दिया और अपना भी वो बता दिया, आई सिंसियरली फील दैट डायलॉग एंड नेगोशिएशंस आर ओनली वे टू सॉल्व डिस्प्यूट्स. मैं तो यही फील करती हूँ कि जो डायलॉग्स और नेगोशिएशंस हैं, यही एक सिंपल तरीका है डिस्प्यूट्स को, लड़ाइयों को सॉल्व करने का, बिटवीन द नेशंस और इवन कम्युनिटीज विद इन अ नेशन. ठीक है, इट इज़ बेटर टू स्प्रेड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड पीस. पीस और लव की लैंग्वेज को स्प्रेड करना ही क्या है, सबसे अच्छा है. कंक्लूड कर दिया बच्चे मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपनी इस डिबेट को प्रेजेंट किया है, 3-4 पैराग्राफ्स में मैंने इसको डाला है लास्ट में. थैंक यू. क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात, कितने अच्छे तरीके से. तो अब ये जो डिबेट आई हुई थी बेटा, ये उस टाइम की डिबेट थी, कुछ वॉर्स की बात हो रही थी, तभी ये डिबेट का टॉपिक पेपर में आया हुआ था. तो तभी मैं कह रही हूँ, आपके जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके हुए हैं चीज़ें, उनको ज़रूर रीड कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, जिससे कि आपका आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके पॉइंट्स माइंड में क्लियर होंगे. आई होप बच्चे अब आपको डिबेट राइटिंग क्लियर होगी कि क्या होती है डिबेट राइटिंग. जो डाउट्स थे, जो पहले की वीडियो थी व्यू क्लियर नहीं था, अब वो सब क्लियर हो गया होगा बच्चे आपको. बेटा लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और फीडबैक के रूप में आपके ये लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.